तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। आज जो है हम जो नॉर्मलाइजेशन का लास्ट और थर्ड टाइप, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो फिनिश करेंगे। इसके बाद कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी। एक पेज बचा हुआ है बस, सिंपल सा। लेट्स यूज द सेम एग्जाम्पल वेयर वी हैव थ्री टेबल्स, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड स्कोर। भाई वो जो कल तीन टेबल थे हमारे पास, पहला स्टूडेंट टेबल जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी, दूसरा था सब्जेक्ट टेबल जिसमें सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन थी और टीचर की, और लास्ट था स्कोर टेबल। ठीक है, आज क्या करते हैं, जो स्कोर टेबल है इसमें दो कॉलम और ऐड कर दिए आज। एक तो हो गया एग्जाम और एक टोटल मार्क्स कितने बने उस स्टूडेंट के। ठीक है, दो और कॉलम ऐड कर दिए स्कोर टेबल में। स्कोर टेबल यानी कि जो थर्ड वाला टेबल था। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि एक टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब माना जाएगा जब पहले तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरा उसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। आज ये महाभारत पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आवर न्यू कॉलम एग्जाम नेम डिपेंड्स ऑन बोथ स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी। देखो, जो हमारा नया टेबल है एग्जाम नेम, हमने दो कॉलम ऐड किए हैं आज, ये एक एग्जाम नेम एक टोटल मार्क्स। ठीक है, तो जो ये एग्जाम नेम है ये तो क्या करता है, डिपेंड करता है जो प्राइमरी की के दोनों हिस्से हैं। प्राइमरी कल लास्ट में अगर याद हो तो स्कोर टेबल के लिए प्राइमरी की जोड़ी बनी थी, एक से काम नहीं चला था, दोनों चाहिए थी, स्टूडेंट आईडी भी और सब्जेक्ट आईडी भी। ठीक है, तो एग्जाम नेम तो जो है इन दोनों पे डिपेंड करता है, प्राइमरी की के दोनों पार्ट्स पे। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो जो ये टोटल मार्क्स वाला कॉलम है, ठीक है, ये टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है ये तो इन दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना स्टूडेंट आईडी पे और ना सब्जेक्ट आईडी पे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मेरे को ये देखना है कि भाई अगर टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स देखने हैं मेरे को कि भाई प्रैक्टिकल के कितने हैं। भाई 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, किस चीज़ का, सब्जेक्ट वन का। ठीक है, सब्जेक्ट टू का प्रैक्टिकल होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, और भाई थ्योरी जो मेन, देखो मेन एग्जाम थ्योरी कितने की है, 150 150 की है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स के लिए तो सिर्फ मेरे को ये पता होना चाहिए, टोटल मार्क्स का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स। ये टोटल मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि भाई स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, ये वो मार्क्स हैं कि भाई प्रैक्टिकल के ज़्यादा ज़्यादा कितने हैं, 70, प्रैक्टिकल के सेकेंड सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़्यादा कितने हैं, 75। ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि जो ये टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है ये प्राइमरी की के किसी भी हिस्से पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। टोटल मार्क्स ना तो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं ना सब्जेक्ट आईडी पे, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्जाम नेम पे। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल मार्क्स हम कब बता पाएंगे, जब हमको ये पता हो कि भाई किसके पूछे हैं, प्रैक्टिकल के या मेन के। ठीक है, उन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्राइमरी की पे, प्राइमरी की के कोई सी भी हिस्से पे। तो प्राइमरी की दो हिस्सों से बनी थी इस टेबल में, ठीक है, स्टूडेंट आईडी से और सब्जेक्ट आईडी से, उन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी व्हेन ए नॉन प्राइमरी वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर नॉन प्राइमरी वैल्यू रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी की। जब एक कॉलम किसी प्राइमरी की के कॉलम पे डिपेंड ना हो के नॉन प्राइमरी कॉलम पे डिपेंड हो जाए। ठीक है, यही यहाँ पे हुआ है। जो ये था,
ये टोटल मार्क्स वाला कॉलम ये जो है प्राइमरी कॉलम्स पे डिपेंड ना होके एक नॉन प्राइमरी कॉलम पे डिपेंड हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि प्राइमरी की के किसी भी हिस्से पे डिपेंड ना होके एक नॉन प्राइमरी कॉलम पे डिपेंड हो गया, दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसको दूर कैसे करेंगे, हाउ टू रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कैसे दूर करना है, टेक आउट द कॉलम्स एग्जाम नेम एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम स्कोर टेबल एंड पुट देम इन एन एग्जाम टेबल एंड यूज द एग्जाम आईडी वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी कि वो बोल रहा है कि इसको दूर कैसे करना है, इसको स्कोर टेबल से हटा ही दो, जो ये दो नए कॉलम ऐड करे थे ना उनको हटा दो और क्या कर दो, एग्जाम आईडी नाम से एक नया कॉलम बना दो। देखो नया एग्जाम टेबल तो बन गया ये, ठीक है, एग्जाम आईडी और ये मार्क्स हो गए यहाँ पे, एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स जो हमने वहां से निकाले स्कोर टेबल से, दोनों कॉलम इनको एग्जाम आईडी अलग से कॉलम बना के एक नया टेबल बना लिया और इस सिर्फ एग्जाम आईडी को यहाँ पे ऐड कर दिया स्कोर टेबल में। देखो ये स्कोर टेबल है, बस मैंने डिटेल नहीं लिखी, कॉलम कॉलम लिख दिए। अब इसमें क्या किया, एग्जाम आईडी सिर्फ उठा लिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दूर होगी स्कोर टेबल की, ठीक है। अब जो ये एग्जाम आईडी है ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट आईडी और स्टूडेंट आईडी पे, ठीक है, तो अब ये टेबल आ गया है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रही, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो क्या था कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तीन शर्तें थी, अब तुमको शर्तें याद रखनी है बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो डेफिनेशन में शर्तें हैं, ठीक है, तो फर्स्ट में कौन कौन सी शर्तें थी कि भाई कॉलम के नाम अलग अलग होने चाहिए, कॉलम में एक टाइप का डाटा होना चाहिए, ठीक है, और एक कॉलम में जो है सिंगल ही वैल्यू होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे वो दो सब्जेक्ट लिख दिए थे एक स्टूडेंट के, फिर उसके लिए हमने दो रो बनाई थी, ठीक है, तीन शर्तें ये थी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए जब उसने बोला कि भाई एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी कब होता है, जब जो है एक कॉलम जो प्राइमरी की है, जो प्राइमरी की का पेयर है उसमें से किसी एक पे डिपेंड हो, दोनों पे ना हो, ठीक है। फिर आगे थर्ड, थर्ड में क्या था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होता है, जब प्राइमरी की के किसी भी हिस्से पे डिपेंड ना करे एक कॉलम, ठीक है, उसको हटाते हैं फिर, समझ गए। तो अब तुमको अच्छी तरीके से तीनों नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गई हैं, जिसको समझ में आ जाएगी वो चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में वो आराम से समझा देगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो बताओगे कि भाई एक टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ तब माना जाएगा जब वो निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करे, पहली शर्त तो ये है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरी शर्त ये है कि उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। फिर तुम जो है पेपर में अपने में क्या बता दोगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, जब एक कॉलम प्राइमरी की के किसी भी हिस्से पे डिपेंड ना करके किसी ऐसे कॉलम पे डिपेंड करे जो प्राइमरी कॉलम नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम जिन कॉलमों की वजह से ये दिक्कत आ रही है उन कॉलम्स को हटा के नया टेबल बना देते हैं, ठीक है, तो हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो शर्त पूरी कर देता है फिर, ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है। अब जो है कल इस यूनिट को फिनिश कर देंगे, एक पेज बाकी है, ओके, थैंक यू।